पत्थल गांव के नवपदस्थ प्रभारी मोहसिन खान के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही पुलिस को लगातार मिल रही सफलताओं का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। पुलिस ने 4 माह पुराने अनाचार के मामले में फरार आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नाबालिग अपहरण कर उसके साथ अनाचार करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि नवपदस्थ थाना प्रभारी मोहसिन खान ने कुछ समय पहले ही पत्थल गांव थाना में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद से उन्होंने कई उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जिनमें स्टेट बैंक में सेंधमारी कर 11.55 लाख की चोरी के साथ ही कई अन्य मामले शामिल हैं। खास तौर पर महिलाओं और युवतियों के साथ अनाचार और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामलों को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। थाना प्रभारी मोहसिन खान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जसपुर बालाजी राव सोमवार द्वारा महिला संबंधी अपराधों में तत्काल कार्यवाही कर निराकरण किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुक्रम में एवं SDOP योगेश कुमार देवांगन के मार्गदर्शन में अपराधों की गंभीरता से विवेचना की जा रही है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। पत्थलगांव से मनोरंजन दास महंत की रिपोर्ट।